जबरदस्ती यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है। जबरदस्ती इसलिए बोल रहे हैं कि 74,000 पेंडिंग है, वो तो क्लियर हुआ ही नहीं। धनबाद जिले में जो कि 74,000 राशन कार्ड अभी पेंडिंग है, पहले वो 74,000 राशन कार्ड बनेगा, तब जाके ये जो आवेदन देख रहे हैं, ये आवेदन जो लिया जा रहा है, ये आवेदन उसके बाद होगा। अभी राशन कार्ड का आप लोग जो बोल रहे हैं कि क्या कारण से नहीं हो रहा है, इसका कारण हो रहा पेंडिंग। अभी आंकड़ा आया कि 1,74,000 कार्ड धनबाद जिला में 12 अगस्त तक 50,000 था, फिर अब 28 अगस्त को 74,000 है। हाँ, तो अभी हम सरकार आपके द्वार जो कि यहाँ पे डूमरकुंडा उत्तर पंचायत में है, और यहाँ पे जो गंभीर समस्या जो पूरा झारखंड का है वो राशन कार्ड है। राशन कार्ड के ही बदौलत पूरा जो योजना का लाभ है, सरकारी योजना का लाभ वो राशन कार्ड का ही बदौलत मिलता है, चाहे मैया योजना हो या फिर गैस कनेक्शन हो या तो फिर और भी सारा, मतलब अधिकतर जो लाभ है सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का जरूरत पड़ता है, चाहे हेल्थ कार्ड हो जो 5 लाख रुपये इलाज करने के लिए मिलता है। लेकिन अभी समस्या पूरा झारखंड के लिए है कि कई दिनों से राशन कार्ड बंद है, कई दिनों से राशन कार्ड बंद है और राशन कार्ड नहीं बन रहा, और सरकार आपके द्वार में क्या हो रहा है आइए जानने का प्रयास करते हैं कि राशन कार्ड का काम किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं। जैसे राशन कार्ड का ऑनलाइन कराना पड़ता है, ऑनलाइन का सिस्टम है कि आधार ऑनलाइन करा के यहाँ पे दे दिया हम लोग ने दे दिया। अभी राशन कार्ड का आप लोग जो बोल रहे हैं कि क्या कारण से नहीं हो रहा है, इसका कारण हो रहा पेंडिंग। अभी आंकड़ा आया कि 1,74,000 कार्ड धनबाद जिला में 12 अगस्त तक 50,000 था, फिर अब 28 अगस्त को 74,000 है। अभी जो कैंप चल रहा है इससे मतलब ये 74,000 राशन कार्ड पेंडिंग है। हाँ, इसका कारण धनबाद जिले में इसका कारण क्या हो रहा है ना, अपवर्जन। जिस तरह से हम लोग सरकार का आदेश है कि झारखंड को 5% कोटा दिया है, 5% से ज्यादा हम लोग नहीं दे सकते केंद्र सरकार। पीएच और ग्रीन में जो ग्रीन कार्ड भी क्यों नहीं बन रहा, ग्रीन में भी कोटा फुल हो गया है, जो कोटा सरकार लक्ष्य रखा है कि इतना कार्ड धारी को हम देंगे, उस कार्ड धारी के अनुसार राशन ज्यादा हो जाए तो हम लोग नहीं दे सकेंगे। तो उसका कारण क्या, 74,000 राशन कार्ड जो पेंडिंग है वो पहले क्लियर होगा तब नहीं बनेगा अभी जो देर है। आप आवेदन आज यहाँ ले रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, 74,000 राशन कार्ड पहले बनेगा तब नहीं ये बनेगा। हाँ, तो ये जो आप आवेदन ले रहे हैं तो कब बनेगा ये आप सिस्टम में सीरियल नंबर में आ रहा है, सीरियल नंबर 74,000 के बाद इसका नंबर आएगा, मतलब ये सिस्टम चल रहा है अभी जितना है। मेरे कारण क्या है ना, अपवर्जन। पहले जो दिया हुआ है राशन कार्ड वो पहले क्लियर होगा तब नहीं बनेगा। हाँ, 74,000 पहले बनेगा तब नहीं बनेगा। नहीं, ये भी सीरियल काउंटिंग होते जा रहा है, ये नंबर जैसे ऑनलाइन हो रहा है ना, ये भी ऑनलाइन में जा रहा है रिपोर्ट। कहाँ जा रहा है, तो जो पहले अगला साल दिया था, पहले जो दिया था उसका पहले बाद में बनेगा तब ही बनेगा। हाँ, पहले वो सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर पहले उसका सीरियल पहले चढ़ा हुआ है ना। हाँ, पहले तो वो बनेगा तब नहीं ये बनेगा। हाँ, तो कितने दिन में ये बनेगा, ये गारंटी हम लोग नहीं ले सकते। हाँ, ये गारंटी पहले अगला साल तो संगे संग बन जाता था, ऑन द स्पॉट हमने देखा है राशन कार्ड बनते हुए, और एक दो दिन में आ जाता था अगले साल उसके अगले साल। होता क्या था ना कि उस समय टारगेट कम था, टारगेट कम था उस समय, एक दिन में बन जाता था। लेकिन अब कब बनेगा राशन कार्ड, इसका गारंटी नहीं। अभी जारी जो किया गया है आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार जो एडीएम के दिल्ली जिला से, जब उस कार्ड में बोल रहा है कि साल कोटा मैया सम्मान योजना में जो था उसमें कोटा 50,000 उससे पार कर गया था, और अभी 74,000 पार कर गया है। सबसे पहले कि अपवर्जन मतलब होता है जो संपन्न परिवार है, जो बहुत से ऐसे लोग मृत लोग हो गए हैं, तो उस डीलर के माध्यम से सूचना देता नहीं है कि हम अपडेट कर गए, लेकिन उसका मृत लोग का नाम कटेगा तब जाकर लोग बनेगा, या ये जो परिवार से बाहर चले गए हैं उन लोग का नाम कटेगा तब जाकर लोग बनेगा। हाँ, और दूसरा कारण है कि जो संपन्न परिवार है, जो जैसे नौकरी वाले हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, मतलब उन लोग का नाम कटेगा। हाँ, सर्वे होकर कटेगा, उसके बाद ही इसका भी एक लक्ष्य दिया 28 जुलाई को एक राज्य खाद्य आयोग ने, लक्ष्य पूरा हुआ, लक्ष्य बता राज्य खाद्य आयोग ने अभी हर जारी किया है कि KYC के माध्यम से जो सभी डीलर के माध्यम से 20 तारीख को हर पंचायत के जो डीलर है उनको अपने KYC मतलब आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए, तभी आपका नाम कुछ संशोधन कराना है, या जो नहीं रहते मृत है तो जो प्राइस रहते हैं यहाँ पे। राशन कार्ड कब बनेगा ये बताइए ना, इसका हम सरकार इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये जो आवेदन आप ले रहे हैं कब बनेगा नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले 74,000 बनेगा तब ये बनेगा। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि राशन कार्ड का सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ा जानकारी है अब पूरा झारखंड में, और जो हमारे धनबाद जिले में जो कि 74,000 राशन कार्ड अभी पेंडिंग है, पहले वो 74,000 राशन कार्ड बनेगा तब
जाके ये जो आवेदन देख रहे हैं, ये आवेदन जो लिया जा रहा है, ये आवेदन उसके बाद होगा। कहे कि 74,000 पहले अप्लाई कर चुका है, उसके बाद जो अभी अप्लाई हो रहा है। तो समझ सकते हैं राशन कार्ड का ऐसा स्थिति है। और राशन कार्ड ये एक जो है गरीब का बैकबोन, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। राशन कार्ड के ही तहत जो अधिकांश लाभ है सरकारी योजना का, लाभ राशन कार्ड के ही तहत दिया जाता है। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, या तो फिर आपका आ जाइए जो हेल्थ कार्ड है, जो 5 लाख रुपया गरीब का इलाज के लिए दिया जाता है, वो राशन कार्ड से ही बनता है। राशन कार्ड अगर आपका नहीं है तो नहीं मिलेगा इसका लाभ। और अधिकांश सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि राशन कार्ड का ऐसा बदहाल स्थिति है, फिर भी यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है। 74,000 राशन कार्ड पेंडिंग है, फिर भी ये सरकार आपके द्वार में आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन अगर सरकार आपके द्वार में नहीं लेगा तो सरकार पे प्रेशर बन जाएगा कि सब काम हो रहा, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा। तो प्रेशर ना लेने के वजह से, मतलब सरकार पे प्रेशर ना बने इसके वजह से यहाँ पे जबरदस्ती एक तरह का समझ सकते हैं, जबरदस्ती यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है। जबरदस्ती इसलिए बोल रहे हैं कि 74,000 पेंडिंग है, वो तो क्लियर हुआ ही नहीं, तो फिर लेने का क्या जरूरत है यहाँ पे राशन कार्ड का आवेदन। 74,000 राशन कार्ड, 74,000 परिवार अभी त्रस्त है। 74,000 परिवार को अभी मैया सम्मान योजना नहीं मिलेगा, गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, ना ही 5 लाख जो गरीब का इलाज के लिए दिया जाता है वो नहीं मिलेगा, वो 74,000 को नहीं मिलेगा, फिर जाकर यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति पर। और हमने बात किया जो यहाँ पे बैठे हुए है, हमने बात किया कि पहले 74,000 बनेगा तब जाके इसका नंबर आएगा, ऐसा स्थिति है। तो ये कह देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, राशन कार्ड अभी यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि नहीं बन रहा है, इसीलिए कोई भी दलाल का चक्कर में ना पड़े। किसी को भी 2,000-5,000 देने का जरूरत नहीं है, जो कि बोलते हैं कि हम 2,000-5,000 लेके बना देंगे, ऐसा कर देंगे, किसी को देने का जरूरत नहीं है। और सरकार से, हेमंत सोरेन जी से विनती है कि ये जो राशन कार्ड का समस्या है, गरीब का जो बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है, जो सबसे मेन कागजात है, उसको जल्द से जल्द और त्वरित निष्पादित करने का काम करें, और जल्द से जल्द राशन कार्ड बनाने का काम करें, ताकि मैया सम्मान योजना का लाभ ले सके। कहीं को चर्चा का विषय, राज्य में चर्चा का विषय है मैया सम्मान योजना, और दूसरे राज्य में भी चर्चा का विषय बन गया मैया सम्मान योजना। तो 74,000 परिवार का जो राशन कार्ड पेंडिंग है हमारे धनबाद जिले में, सिर्फ इसको तुरंत से तुरंत इसको निष्पादित किया जाए, और ये जो आवेदन दिया जा रहा है सरकार आपके द्वार में, इसको भी तुरंत निष्पादित किया जाए, ताकि मैया सम्मान योजना का लाभ ले सके, और हेल्थ कार्ड जैसा बेनिफिट ले सके, गैस कनेक्शन ले सके, और तमाम तरह का मतलब कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इसलिए विनती है हेमंत सोरेन जी से कि जल्द से जल्द इसको निष्पादन करने का काम करें, राशन कार्ड बनवाने का काम करें। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।